जोहार दोस्तों। तो पिछला जो वीडियोस था उसमें हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से हम लोग रन मोड को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उस टूल्स को यूज में ला सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पेंट में वर्क कैसे करते हैं, उसके जो टूल्स है उसका क्या क्या काम होता है और उसको किस प्रकार से हम लोग अपने यूज में ले सकते हैं और ड्राइंग में जो है थोड़ी सी महारत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ऑन करना है अपना स्टार्ट मेन्यू को। स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए पेंट, ये आपका ओपन हो गया। ऊपर में मेरा पेंट आ गया है, तो मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरा क्लीन क्लीन विंडो है। तो अब यहाँ पे कोई टूल्स नजर नहीं आ रहा, तो पहले से टूल्स को तो लाना पड़ेगा। तो हम जैसे ही होम बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरा टूल्स यहाँ पे आ गया है। सीट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा सीट में काम करेंगे तो अच्छे से हमको दिखे। तो ये इस प्रकार से छोटा बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे जैसे हम लोग होम में क्लिक करते हैं तो ये मेरा सारा ऑप्शंस खुल गया। तो ये हमारा जो इंटरफेस है, इसमें सबसे पहले हमारा क्लिपबोर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्लिपबोर्ड में क्या है कि ये जो है ये एक प्रकार से मेमोरी हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर का, कुछ मेमोरीज जो है इसमें सेट करता है। अभी देखिए ये अनसेलेक्टेड टूल में बना हुआ है, इसमें अगर आप कुछ भी ये करते हैं तो ये काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये क्लिपबोर्ड काम कैसे करता है उसको जानने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। ये मैंने लिया टेक्स्ट टूल को और कुछ मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, कुछ भी मैंने इस पे लिखा। अब इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस ए और इसको कर देते हैं कॉपी। ये जैसे ही इसको हम कॉपी करते हैं तो मेरा ये क्लिपबोर्ड का टूल्स जो है ये एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको कॉपी कट और पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। कॉपी कट और पेस्ट, कॉपी का मतलब होता है सेम चीज का एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेना। कट का मतलब होता है कि उसको कॉपी तो कर लेगा लेकिन वो जो पहले वाला जो था वो कट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये कट हो गया मेरा। तो जैसे ही कट हो गया तो हमारा पेस्ट का ऑप्शन जो है ये खुला हुआ है और मैं जैसे ही इसको पेस्ट करता हूँ तो सेम चीज मेरा यहाँ पे आ गया। ये सिर्फ एक बार नहीं, क्योंकि ये हमारा क्लिपबोर्ड एक मेमोरी तरह काम करता है, तो आप जितने बार कीजिएगा वो उतने बार इस चीज को पेस्ट करेगा। ये देखिए एक ही बार हम लोग को कॉपी या फिर एक ही बार हमें कट करने की जरूरत पड़ती है और जितने बार चाहे उतने बार आप इसको पेस्ट कर सकता है कर सकते हैं। तो अब ये तो हम लोग जान लिए क्लिप बोर्ड का जो वर्क था वो। तो अब हम लोग कुछ दूसरे फीचर्स, तो साथ ही में आपको सिलेक्ट टूल के बारे में बता देता हूँ कि सिलेक्ट टूल किस तरह से काम करता है। ये अलग अलग प्रकार के हैं, ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन है कि आप किसी अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल भी है, रेक्टेंगल है। तो मैं रेक्टेंगल को लेता हूं और सेलेक्ट टूल किस तरह से काम करता है उसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि जैसे कि देख रहे हैं ये मेरा इंडिया झारखंड डिस्ट्रिक्ट धनबाद लिखा हुआ है, इसको मैं यहां से यहां सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहां से हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है सेलेक्ट टूल से हम लोग किसी भी पार्ट्स को यहां से रिमूव कर सकते हैं, सेलेक्ट करके उस साइड जो है अलग अलग पिक्चर इसका बना सकते हैं। इस प्रकार से सेलेक्ट टूल काम करता है। अब जो है इसके दूसरे सेलेक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। फ्री फॉर्म सेलेक्ट क्या होता है कि ये जो होता है ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने इस एरिया को इस प्रकार से सेलेक्ट किया तो ये इस प्रकार से सेलेक्ट हुआ। देखिए जिस प्रकार से मैंने इसको किया था वो उसी प्रकार से कट हो रहा है, वही एरिया। चलिए इसको थोड़ा बीच वाला एरिया को मैं हटा के देखता हूँ। तो ये बीच वाला एरिया को मैं इस प्रकार से कट कर लेता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी। ये इसका काम ही होता है फ्री, आप जिस तरह से चाहते हैं उस प्रकार से ये कट होगा। ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा ये कट हो गया। तो ये है सिलेक्ट टूल का फंक्शन, ये इस प्रकार से काम करता है। ये मेरा मैप हो गया, इस मैप को मुझे रिसाइज करना है। तो रिसाइज करने के लिए मैं रिसाइज पे जाऊंगा। ये पूरा 100% हॉरिजेंटल है और वर्टिकल पूरी तरह से शेप में जो है ये दिख रहा है। लेकिन पहले तो ये फोटो को मैं सीधा कर लेता हूँ। तो ये सीधा करने के लिए हमारे पास रोटेशन टूल है। रोटेशन टूल से आप इसको अपने सही हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करके मैं इसको सही पोजीशन पे ले आया हूँ। अब ये रहा, इसको मैं छोटा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये है इसका एक्चुअल साइज, जिस साइज में मैंने इस फोटो को लिया था।
लेने के बाद जब इसको मैं इसका साइज को कम कर रहा हूं तो देखिए ये है अभी 1522x1080 पिक्सल पे है। अभी मैं जैसे इसको रिसाइज कर देता हूं, रिसाइज, और रिसाइज करने के बाद इसके परसेंटेज को कम कर देते हैं, 50% कर देते हैं, तो ये अपने हिसाब से कैलकुलेट करके अभी देखिए इसका साइज क्या हो गया है, 761x750 पिक्सल इस साइज पे जो है ये बन गया है ये फोटो। अब मैं इस वर्कशीट को कितना भी बड़ा क्यों ना करूं, लेकिन ये फोटो की जो साइज है वो साइज वही रहेगी। ये वर्कशीट मेरा बड़ा हो रहा है लेकिन ये फोटो जो है ये मेरा बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको जो मैंने है इसको रिसाइज कर दिया है। ठीक है, तो रिसाइज का ये काम होता है। तो ये तो हम लोग देख लिए क्लिपबोर्ड और इमेज का, इमेज में कैसे हम लोग रिसाइज सेलेक्ट और रिसाइज जो रोटेशन वगैरह करते हैं, तो ये था। अब हम लोग एक नया विंडो को लेते हैं, इसको मैं सेव नहीं करूंगा, ये नया वर्कशीट आ गया मेरा। अब इसमें हम लोग काम करेंगे टूल्स का। तो टूल्स में सबसे पहला टूल्स होता है पेंसिल। पेंसिल का जो है ये है पेंसिल। अब जिस तरह से पेंसिल में लिखिएगा ये लिखने के काम आता है, कुछ भी आप लिखिए, ए बी सी डी कुछ भी लिखिए, फिर कुछ भी ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करने में फ्री हैंड ड्रॉ होता है पेंसिल से। तो कई बार ऐसा होता है कि कभी हम लोगों को पेंसिल का मोटाई जो उसका थिकनेस होता है इसको मोटा करना होता है, तो उसका साइज, ये साइज पे हम लोगों का आना है और इसके थिकनेस को आप मोटा कर सकते हैं। जैसे पहला ये पतला था तो ये इस प्रकार से ज्यादा था, ये मोटा हो गया। आप जिस प्रकार से चाहेंगे उस प्रकार से इसको कर सकते हैं, मोटा पतला या फिर अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। और बाकी आप इसमें कलर चाहते हैं कि नहीं पेंसिल का कलर मेरा ब्लैक से ग्रीन हो या फिर दूसरे कलर हो, तो आप दूसरा कलर का भी पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका अलग अलग प्रकार का जो है ये बनता है कलर। आपको यहाँ पे कलर का पूरा ये रहेगा, आपको अपने हिसाब से कलर लेनी है तो आप यहाँ पे एडिट कलर पे आइएगा, और एडिट कलर पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कलर है, जिस प्रकार का भी आप कलर चाहते हैं वो कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से कलर को चुनिए और उसका ड्राइंग बना सकते हैं आप। तो ये था पेंसिल टूल। इसके बाद हम लोग सेकेंड टूल जो है ये हमारा इरेजर टूल है, इससे हम लोग इरेज करते हैं। अब इस कई बार हम लोग को बहुत सारा चीज को मिटाना होता है तो इसको बड़ा और छोटा करना होता है इरेजर को। कभी कई बार हम लोग ज्यादा चीज को एक साथ, छोटे छोटा इरेजर रहेगा तो ज्यादा चीज को आप एक साथ नहीं मिटा सकते हैं, तो बड़ा करने के लिए आपको कंट्रोल को दबाना है, उसके बाद प्लस के सिंबल को दबाना है। आप कंट्रोल के साथ प्लस को दबाइएगा तो आपका इरेजर बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही बड़ा होगा आप इसको सारा को एक साथ इरेज कर सकते हैं। साथ ही आप लोग पेंसिल को भी उसकी थिकनेस को भी बढ़ा सकते हैं उस प्रकार से। तो अब दूसरा टूल्स जो है ये हमारा पेंट टूल है। आपका वर्कशीट को यानी आप जो ड्राइंग किए हैं उसको पेंट करने का काम करता है हमारा ड्राइंग ये, ठीक है, फिल विथ कलर। इसके साथ हम लोग कलर फिल करते हैं, कोई भी कलर आप इसमें कर सकते हैं, बाकी आपको कलर और चाहिए तो आप यहां से कलर ले सकते हैं। इस टूल का इस्तेमाल हम लोग पहले भी देखे हैं, इस बार और एक बार देखते हैं। ये है हमारा टेक्स्ट टूल, इसमें हम लोग कुछ भी चीज को लिखते हैं। तो फर्स्ट कलर में हमारा पिंक है और सेकंड कलर में हमारा ब्लैक है। तो चूंकि इसमें शिफ्ट करने के लिए हम लोगों के पास कलर को होना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग, चूंकि ये हमारा जो बैकग्राउंड है ये पिंक है और हमारा जो टेक्स्ट है इसको हमको करना है ब्लैक, तो हम लोग फर्स्ट कलर में कर देंगे ब्लैक। तो ये हो गया हमारा ब्लैक, और इस प्रकार से सारा टेक्स्ट जो है आप इसको यहाँ पे सारा ऑप्शन से आप इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है इसको आप यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटालियन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये टूल्स को जान लिया। ये है ड्रॉपर टूल्स, कहीं पे आपका रंग फिल हो रहा हो तो यहां से आप उसमें कलर को सिलेक्ट करने का काम करता है। जैसे अभी थोड़ा देर आगे पे हम लोग ये करेंगे। और ये है जूम टूल्स, इसमें हम लोग किसी भी पार्टिकुलर पार्ट्स को हम लोग जूम करते हैं, इसलिए इसका काम होता है। तो अभी हम लोग कुछ एक शेप को बना लेते हैं और उसमें रंग फिल करके देखते हैं। ब्रश टूल के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ी देर बाद,
जब हम लोग पेंट करेंगे तब। यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज नजर आ जाएगा, ब्रश टूल्स नजर आएंगे, पेन नजर आ जाएगा, ग्राफिक आ जाएगा, ये स्प्रे पेंट आ जाएगा, पेंसिल पेंट आ जाएगा, ये बहुत प्रकार के हाइलाइटर वगैरह, यहाँ पे सारा कलर का ऑप्शंस मिल जाएगा किस प्रकार से आपको यहाँ पे कलर करना है। तो पहले हम लोग एक ये को बना लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग एक ड्राइंग को करते हैं पहले फिलहाल। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक लाइन टूल्स को ले लेते हैं। देखिए लाइन टूल्स लेने के बाद अक्सर क्या होता है कि लाइन सीधी या टेढ़ी है उस चीज को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और लगता हमें कि है कि ये सीधा है लेकिन एक्चुअल में वो सीधा होता नहीं है। अब देखिए लाइन जो है ये टूटी टूटी नजर आ रही है, यहाँ पे एक हिस्सा है, यहाँ पे एक अलग हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, इस बात से टूटा टूटा है। इसका मतलब ये लाइन जो है ये टेढ़ा है। अब जैसे ही इसको हम लोग सीधा कर देंगे, जितना टेढ़ा होगा उतने हिस्से में वो टूटा हुआ नजर आएगा। देखिए अगर मैं इसको टेढ़ा कर रहा हूँ वो उतना छोटे छोटे हिस्सा में वो टूट जा रहा है, बहुत ही छोटे छोटे हिस्से में ये टूट चुका है, यानी बहुत टेढ़ा है। इसके बाद फिर जैसे इसको सीधा करेंगे ये उतने ही कम टुकड़ों में बदल जाएगा, और जैसे ये सीधा हो जाएगा तो ये एक लाइन में आ जाएगा, ये एक लाइन बन गया, यानी ये लाइन जो है ये पूरी तरह से एक सीधी लाइन है। अब इस लाइन को अगर हम, मुझे लगता है कि ये पतली हो गई है या मोटी हो गई है, तो जैसे आप लोगों को पहले बताया था कंट्रोल प्लस प्लस के सिंबल को दबाएंगे तो वो लाइन मोटा हो जाएगा, और माइनस को करेंगे तो वो पतला हो जाएगा। जैसे इरेजर के साथ हम लोग किए थे सेम इसके साथ भी वैसे ही कर सकते हैं। तो अपने सुविधा के अनुसार जो है आप लोग अपने लाइन को मोटा और पतला ले सकते हैं। तो घर को बनाते हैं हम लोग। तो ये था पूरा हमारा, ये एक ड्राइंग है घर का, थोड़ा सा यहाँ पे छुटिया है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। हाँ ये हो गया हमारा कंप्लीट घर। तो अब इसको हम लोग को पेंट करना है अलग अलग रंगों के साथ, चूंकि ये पेंट है और बच्चों के लिए काफी ज्यादा मजेदार वाला काम होता है, तो इसमें रंग बिरंगे कलर करेंगे। ये हमारा ब्रश टूल है, यानी ब्रश कलर है, इसमें हम लोग ब्रश के साथ कलर करेंगे। तो हम इसके घर के ऊपर वाला हिस्सा को कलर करेंगे, तो हम लोग ले लेते हैं ब्राउन कलर को, और ब्राउन कलर को लेके ये हमारा ब्रश में कुछ इस प्रकार का पेंट होगा। तो इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा पेंट में कैसा हमारा कलर होता है। ये काफी ज्यादा चौड़ा हो गया तो इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, और इस प्रकार से हम अपने माउस को मूव कर करके पेंट कर सकते हैं। पेंट करने के लिए माउस का कमांड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका कलर इधर उधर हो जाएगा। कुछ हद तक जो है मेरा भी इधर उधर हो रहा है, पर मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जैसे हम लोग वाटर कलर में करते हैं ना ब्रश वाला, वो वही ब्रश है। तो ये तो ब्रश से हम लोगों ने कलर कर लिया इसको। अब सेकंड, अब सेम ये वाला को अगर कलर करेंगे हम लोग, ब्रश को कैलीग्राफी ब्रश है, तो इसमें एक हिस्सा जो होता है वो चौड़ा होता है, और इस प्रकार से इसमें पेंट होता है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, फिर अगले ब्रश को इस्तेमाल करेंगे। ये भी कैलीग्राफी ब्रश ही है, लेकिन देखते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। कैलीग्राफी ब्रश एक चौड़े नीब वाला ब्रश होता है। अच्छा ये दोनों में अंतर ये था कि ये इसकी साइज साइड जो था वो इधर से था, इस प्रकार से वो पेंट करता था, और ये इसका शेप जो है इस प्रकार से है, यानी एक इस साइड पे था और ये इस प्रकार से, मतलब ऐसे ऐसे, ये अलग ब्रश था, ये अलग ब्रश है, अलग अलग प्रकार के ये पे है। तो इसको भी हम लोग पेंट कर लेते हैं, फिर अगले ये को हम लोग देखेंगे। तो अब ये हमारा तीसरा जो है ये है हमारा एयर ब्रश। इसमें डॉट 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 दानेदार आता है, कहीं पे अगर हम लोगों को दाना दाना कहीं पे ये करना होता है, जिससे हम बाहर में करके दिखाते हैं, देखिए इस प्रकार से ये दाना दाना आता है इसमें पेंट करने पे, यानी स्टार वगैरह अगर आपको बनाना हो तो इसमें बहुत अच्छे से आप ये कर सकते हैं। स्प्रे का बहुत अच्छे से पेंट हो जाएगा इसमें आपका। जो है हमारा ब्रश ये ऑयल ब्रश है, ये ऑयल ब्रश जो होता है देखिए,
ये इस प्रकार से होता है ऑयल ब्रश। ये ऑयल पेंट हम लोगों ने किया है वो ये इस प्रकार से। ये ब्रश मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि बहुत ही अच्छा से इसमें पेंट होता है। खास करके पता ही नहीं चलेगा कि आपने हाथ से पेंट किया है या फिर कैसे पेंट किया है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर कहीं अगर आपको कोई फोटो को एडिट करना हो और उस फोटो में अगर कहीं ऐसा होता है जैसे कि हम लोग का होली आ रहा है, होली में अगर हम लोगों को फोटो को एडिट करना हो तो उस फोटो में किस प्रकार से हम लोग एडिट करें कि हम लोग को लगे कि हाँ रियल कलर जो है आपका ओरिजिनल फोटो रहेगा, लेकिन उसमें हम लोग ओरिजिनल फोटो में अगर इस प्रकार से ब्रश का इस्तेमाल करके अगर उसमें पेंट अगर अच्छे से लगाते हैं तो लगेगा कि कोई अपने हाथों से उसके फेस में कलर लगाया है। मैं वो भी फोटो को करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग करेंगे उसको। ये हमारा क्रायोन कलर है। ये कलर हम लोग इस तरह से मोम कलर की तरह से जानते हैं इसको। ये इस प्रकार से आता है, ये मोम कलर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं अपने लैंग्वेज में। तो ये इस प्रकार का चलता है, हम लोग का कॉपी में भी जो है इसी प्रकार से चलता है वो, और इसको घिस घिस के हम लोगों को मिलाना पड़ता है। ये वही मोम कलर है। ये पेंट जो है ये मार्कर पेंट है। मैं बाहर में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए मार्कर, जैसे हम लोग लिखते हैं कहीं पे मार्क करते हैं लिखे हुए चीज़ को, या देखिए यहाँ पे लाइन भी आपका दिखेगा और ये भी दिखेगा। तो ये मार्कर है, मार्कर की तरह पेंट होता है नेचुरल। ये है नेचुरल पेंसिल। नेचुरल पेंसिल को हम लोग जानते हैं पेंसिल कलर। ये रहा पेंसिल कलर, नेचुरल पेंसिल। ये थोड़ा सा फीका आता है, हम लोगों को कॉपी वगैरह में भी जो है वो थोड़ा सा फीका ही आता है। दो तीन बार हम लोगों को पेंट करना पड़ता है, ओवरलेप करना पड़ता है, तब जाके वो डार्क आता है। तो ये है पेंसिल कलर, जिसे हम लोग नेचुरल पेंट भी कहते हैं, नेचुरल पेंसिल कहते हैं इसको। तो अब लास्ट हमारा ब्रश बचा है जो ये है वाटर कलर ब्रश। ठीक है, वाटर कलर ब्रश जो है ये वाटर कलर जैसे हम लोग का होता है पानी वाला कलर, ये उस प्रकार से चलता है। ऑयल कलर और वाटर कलर में थोड़ा सा अंतर है। देखिए ऑयल कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क है और वाटर कलर जो है वो थोड़ा सा फीका है। हर वाटर कलर के बगल में मैं एक ऑयल कलर को दे रहा हूँ। देखिए इसमें हम लोग फर्क पता कर सकते हैं कि वाटर कलर जो है वो थोड़ा सा फीका है और ऑयल कलर थोड़ा सा डार्क है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। तो अब हम लोग थोड़ा सा टूल्स में आते हैं और ड्रॉपर का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्रॉप को कैसे हम लोग इस्तेमाल में लेंगे, ड्रॉपर कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो ड्रॉपर का कलर होता है कलर पिकअप करने का। इसे ये जो है जैसे हमें चाहिए ये कलर को हमको पेंट करना है कहीं दूसरे जगह पे, लेकिन सेम कलर जैसे अभी तो हमारे पास यहाँ पे कलर का ये पूरा मिला हुआ है कि इस प्रकार से आप कलर को चूज कर सकते हैं। अगर मान के चलिए मुझे कोई दूसरा कलर बनाना हो, नया कलर को हम लोग चूज करते हैं, तो ये सब में जो खाली स्थान है इसमें वो फिल होगा नया कलर। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं एक नया कलर को सिलेक्ट किया और करता हूँ इसको ओके, तो ये मेरा नया कलर यहाँ पे आके बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि सेम कलर, जैसे कि मेरा यहाँ पे रेड कलर है, तो मैं चाहता हूँ कि यही कलर जो है यहाँ पे आ जाए, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो कैसे। और मैंने एक रेंडमली कलर को लिया था और वो बन गया था, दोबारा वो कलर को हमको बनाने में नहीं बन रहा है और वो मैच नहीं कर रहा है। तो वैसे में हम लोग ड्रॉपर का काम लेते हैं, इसे कलर को वो पिक कर लेता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर वन पे, जैसे मैं ड्रॉपर को ले लूंगा और लेने के बाद जिस भी कलर को मैं सिलेक्ट करूंगा वो कलर मेरा कलर वन पे आ जाएगा। जैसे मैं रेड को सिलेक्ट किया तो वो रेड आ गया, अब मैं ब्लैक को करता हूं तो वो ब्लैक आ जाएगा, और इसी प्रकार से मैं फिर से ब्लू को करता हूं तो ब्लू आ जाएगा। उसके बाद ये तुरंत बताएगा कि आप पेंट कर सकते हैं। तो वो कलर को जैसे ड्रॉप करने के बाद हम वापस पेंट करेंगे तो ये हमारा ब्लू हो गया। तो इस प्रकार से जो है ड्रॉपर का काम होता है। और जूम, ये जो है हमारा मैग्नीफाई ग्लास, जिससे हम लोग किसी भी पार्टिकुलर पोर्शन को जूम करते हैं। जैसे मुझे ये इस एरिया को जूम करना हो पेंट करने के लिए, कई बार हम लोग ड्राइंग में बहुत बारीकी वाला काम करते हैं, यानी छोटे छोटे हिस्से को हम लोग उसमें लेते हैं और उसमें हम लोग पेंट करते हैं या फिर उसको ड्राइंग करना होता है, तो हम लोग को उसमें मैग्नीफाई का जरूरत पड़ता है। तो बार बार अगर हम लोग अपने यहाँ से इसको बड़ा छोटा करेंगे तो पूरा सीट बड़ा छोटा होता है उस पार्टिकुलर पोर्शन में, लेकिन मेरा जो ये स्क्वायर बना हुआ है मैग्नीफाई ग्लास से अगर हम लोग ये करेंगे तो ये मेरा स्क्वायर ही जो है ये मैग्नीफाई होगा। जैसे इस प्रकार से ये हमारा
जो है ये मैग्नीफाई हो गया। अब इसमें हम लोग बहुत ही बारीकी काम कर सकते हैं, ग्रिड बना सकते हैं इसका, और भी बहुत सारा चीज कर सकते हैं। तो ये सब तो हम लोगों ने जो है यहां से लेके पूरा टूल्स का हम लोगों ने जिक्र कर लिया, जान लिया कि टूल्स क्या है, ब्रश में क्या क्या था, ऑप्शंस हमारा। अब ये जो है ये हमारा शेप है, आप किस किस प्रकार के शेप से लेना चाहते हो और उसे ड्राइंग करना चाहते हो, इसमें आपको बहुत आसानी होगी। ये है लाइन शेप, आप जिसमें सीधा सीधा लाइन खींच सकते हैं। ये है हमारा कर्व, जिसमें आप टेढ़ा मेढ़ा लाइन को ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, आप यहां से इसको किए, फिर इसको उठाइए, टेढ़ा मेढ़ा लाइन कर सकते हैं, यानी कर्व लाइन बना सकते हैं। और ये है हमारा सर्कल, जिसमें हम लोग सर्कल करेंगे, और फिर जैसे फिल करेंगे तो ये आपको सारा ऑप्शन देगा कि आप जो जो कलर हम लोगों ने देखा था ये ब्रश में, ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सॉलिड कलर चाहते हैं या इस प्रकार के कलर चाहते हैं, ये सारा ऑटो फिल ड्राइंग करने के साथ ही आप उसको फिल करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा। तो फिलहाल हम लोग इसको फिल नहीं करने वाले हैं, तो नो फिल करेंगे। आप उसका आउटलाइन चाहते हैं तो आउटलाइन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, कलर का, जिस प्रकार का कलर का आउटलाइन चाहते हैं। अच्छा, इस टूल पे हम लोग आते हैं थोड़ा देर बाद, फिलहाल हम लोग शेप के बारे में बात करते हैं। ये है हमारा स्क्वायर से रेक्टेंगल, जिसमें हम लोग पूरी तरह से रेक्टेंगल बना सकते हैं, एक्यूरेट रेक्टेंगल होता है। और इसके बाद फिर राउंडेड रेक्टेंगल है, इसके जो एजेस होते हैं ये राउंड रहते हैं। और ये जो है ये हमारा पॉलीगॉन है, आप इसको जिस प्रकार से एक लाइन से दूसरे लाइन, तीसरे लाइन, उसको खींच के मिला सकते हैं, पॉलीगॉन बना सकते हैं। ये ट्रायंगल है, ये भी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा डायमंड है, ये पेंटागॉन है। इस प्रकार से आपको मैथमेटिकल टर्म्स में यूज होने वाले सारे शेप यहाँ पे मिल जाएगा। ये हेक्सागोन है, ये एरो है, राइट एरो कहते हैं इसको, ये लेफ्ट एरो, ये अप एरो, ये डाउन एरो। उसके बाद फिर फोर पॉइंट स्टार है, ये फाइव पॉइंट स्टार है, और ये सिक्स पॉइंट स्टार है। ये कमेंट वाला है, राउंड शेप का, इसको हम लोग कॉल आउट कहते हैं। और ये भी कॉल आउट ही है, लेकिन ये और भी शेप्स हम लोगों के नीचे हैं। ये रहा है, ये क्लाउड, क्लाउड का कॉल आउट है। ये हमारा हार्ट है, हार्ट शेप बनाना हो आप यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। ये लाइटनिंग का है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे इतने सारे शेप्स हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा आउटलाइंस किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए, हम लोग जैसे एक मैं राइट एरो को लेता हूं, इसको मैं बड़ा कर लिया। अब इसके जो आउटलाइंस है, यानी ये सब जो है, ये हमारे जो आउटलाइन है, ये आउटलाइन को मैं चाहता हूं कि ये पेंसिल से जैसे हम लोग पेंट में करते थे, कि वो उसी प्रकार का पेंट हो, ताकि पता ना चले कि मैं इस शेप को सॉलिड शेप में लिया हूं। तो यहां से हम उस प्रकार के इसको चुन सकते हैं, जैसे हम लोग ब्रश में हम लोग का ऑप्शन था, ठीक है। क्लेऑन है, मार्कर है, ये ऑयल है, नेचुरल पेंसिल है। तो इस प्रकार से आप अपने शेप को एकदम ऐसे रियलिस्टिक बना सकते हैं, इसके माध्यम से, आउटलाइन के माध्यम से। इसको आपको मोटा करना हो, पतला करना हो, तो इसके साइज को आपको यहां से आप उसको बदल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये हमारा वन और टू कलर, जो आपके पास दो कलर को पिक करने का ऑप्शन देता है, कि एक साथ आप दो कलर को लेके काम कर सकते हो जब आपको जरूरत है। जैसे कि हमको इसकी जरूरत है, हम इसको बना लिए, फिर ये सेकंड कलर को हम लोग इसमें ऑटो फिल करवा सकते हैं, यानी बैकग्राउंड जो है वो हमारा ब्राउन पे है। इस प्रकार से हम लोग इसके फर्स्ट कलर, सेकंड कलर का हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा कलर्स है, और ये हमारा एडिट कलर है, जिसमें हम लोग अपना कस्टम कलर को लेते हैं। दूसरा टैब आता है हमारा यहाँ पे मेनू पे, और ये मेनू में है हमारा जूम इन जूम आउट। अब आपका जो है वर्कशीट एरिया, वो 100% में आप उसको सेट करना चाहते हैं, ये हमारा 100% में सेट है। तो इस प्रकार से आप इसको अपने वर्कशीट को पूरी तरह से फैला सकते हैं। रूलर, रूलर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप कितने इंच के लाइन को ले रहे हो, कितने सेंटीमीटर पे है, आप रूलर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं सेंटीमीटर और इंच में। और उसके बाद फिर कहाँ से कहाँ तक आपका जो है लाइन को ये कर रहे हैं, देखिए, जैसे ही मैं ये पॉइंटर को घिसका रहा हूँ इधर उधर, तो ये हमारा रूलर पे सिंबल दिखा रहा है कि ये है आपका 100 सेंटीमीटर, ये सब जो है इंच में सारा आपको बता रहा है कि एरिया का जो पिक्सल है कितना पे ये पे बनेगा।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस जो है, ये आपको पूरी तरह से ये रेड लाइन जो है आपको बताएगा रूलर में कि आप कितने साइज से कितना को ड्रॉ कर रहे हैं। चाहते हैं कि नहीं हम बहुत ही बारीक काम, छोटे छोटे हिस्सों में काम करें, तो आप ग्रिड लाइंस को भी ले सकते हैं, जो आपके छोटे छोटे हिस्से जिसमें आप एकदम बारीकी हिस्से को ले सकते हैं। जैसे आपको एक छोटा छोटा बॉक्स बन रहा है, ग्रिड बन रहा है, ये ग्रिड से आप पॉइंट से एकदम एक्यूरेट ड्राइंग कर सकते हैं, लाइन सीधा हो, एक्यूरेट हो, तो उसके लिए आप ग्रिड लाइन को भी ले सकते हैं। ये आपका है स्टेटस बार, स्टेटस बार में आपका नीचे पे कितना क्या हो रहा है वो आपको शो करता है। अभी मैं बंद कर दिया तो नहीं शो कर रहा, जैसे ऑन किया तो ये आपका स्टेटस बार शो कर रहा है, ये इतना पिक्सल पे आया है। आपका जो है सीट का जो पिक्सल है वो आपका शो कर रहा है, परसेंटेज जो है वो कितना परसेंटेज पे आप व्यू कर रहे हैं वो हिस्सा जो है आपका यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये था हमारा शो और हिडन। बाकी आप इसको फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो आप फुल स्क्रीन में कीजिए, ये आपका फुल स्क्रीन में आ जाएगा। तो ये ओवरऑल जो था ये हमारा पेंट का वर्क था। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।